यमुनानगर के मानकपुर के पास मौजूद इंडस्ट्री एरिया में एक बंद पड़ी फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ कि फैक्ट्री की जमीन में दबे हुए टैंक के पर खच्चे उड़ गए। हालांकि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री में कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन यह धमाका कैसे और क्यों हुआ ये सवाल बना हुआ है। हालांकि फैक्ट्री के मैनेजर के अनुसार फैक्ट्री लंबे समय से बंद पड़ी थी और अब भी यहाँ काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन धमाका कैसे हुआ उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन धमाका होने के साथ ही उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी थी। इससे एकदम से मैं तो अंदर बैठा था, यहाँ पे प्लांट में वर्किंग नहीं है, कोई भी प्लांट बंद पड़ा है एक महीने से, और इसी वजह से अपना मतलब वर्कर तो कोई था नहीं वहाँ पे। धमाका से मैं बाहर गया तो बाहर देखा कि भाई पता लगा पीछे जा करके टैंक फट गया एकदम से, तो उसमें कुछ धुआं सा निकलता नजर आया हमें। आग उग तो थी नहीं इसमें, हमें वैसे ही धुआं सा नजर हुआ, पता नहीं किस चीज़ का, मिट्टी का धुआं था वो, किस चीज़ का धुआं था। तो वो उसकी वजह से हमने एकदम से हड़बड़ाहट में कहीं वही मिस हैपनिंग ना हो जाए कोई, फायर वालों को फोन कर दिया। फायर वालों ने आकर के बस थोड़ा सा पानी मारा और वो साथ ही चले गए। तो क्या लगता है जिस पर ये बंद था, मिट्टी काफी मिट्टी में दबे हुए थे, तो धमाका इतना जबरदस्त, पता नहीं क्या रीजन था, टैंक खाली थे, खाली क्यों होने की वजह से या किस वजह से, क्योंकि प्लांट बंद था, कोई बंदा तो था नहीं मतलब आसपास कोई, किस वजह से वहां भी कोई पता नहीं लग पा रहा है इसका क्या है।